अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ जो भारत के अंदर महिलाएं ज़्यादा है या पुरुष, तो ये मैं बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा जो ये बताने वाला हूँ जो महिलाएं ज़्यादा है या पुरुष, ये 2011 की जनगणना के मुताबिक बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा 2011 की जनगणना में टोटल भारत की आबादी कितनी था और उस आबादी के अंदर कितने पुरुष का आबादी था और कितनी महिलाएं की आबादी था, तो ये बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत की टोटल आबादी कितना था 2011 के मुताबिक, तो बताना चाहूँगा 1,21,08,54,977 था 2011 के जनगणना के मुताबिक। वहीं अगर महिलाएं की सॉरी पुरुष की बात करें तो 62,32,70,000 पुरुष की आबादी था 2011 की जनगणना के मुताबिक। वहीं अगर महिलाएं की बात करें दोस्तों तो 2011 की महिला की जनगणना के मुताबिक 62,32,70,000 महिला की आबादी था। वहीं अगर अभी की हालात की बात करें दोस्तों, अभी की हालात में अगर देखा जाए तो हर मर्द के 1,020 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा पूरे भारत के अंदर महिलाएं की ज़्यादा आबादी है। तो ठीक है भाई, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।